हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आए हुए हैं रितेश के गांव पे और रितेश के गांव के बाहर हैं क्योंकि हम जा रहे हैं कावड़ यात्रा पर। रितेश के गांव से कावड़ यात्रा जा रही है तो उसी में हम भी शामिल हैं। इन्होंने फ़ोन किया और कुछ भी तैयारी कुछ पता नहीं था हमको और एकदम से मतलब अचानक से हमको तैयार होना पड़ा और बन गया प्लान। मम्मी बोली कि नहीं जाओ जाओ, हम मतलब कभी भी हम कावड़ यात्रा पर नहीं गए हैं अभी तक। हमारी ये फर्स्ट पहली कावड़ यात्रा होगी और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलते हैं, मिलते हैं आपको कावड़ यात्रा पे। हर हर महादेव। तो गाइज, लगभग 6:15 बज चुका है। तो हम तो ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं, साथ में रितेश भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। पीछे हमारा डीजे वगैरह, उसके साथ में कावड़ यात्री लोग सब लोग आ रहे हैं। इनके गांव से निकल चुकी है कावड़ यात्रा। इनको पता है कि मतलब जाना कहाँ है, कहाँ से नहीं जाना है, बताओ कहाँ जाना है। राजघाट से छोटी काशी गोला। राजघाट से छोटी काशी गोला जाना है। अभी तो राजघाट ही नहीं पहुँचे हैं तो गोला बहुत दूर की बात है। और ये रहे आलू, ये रहे अचार, पूरी व्यवस्था साथ में है। तो गाइस, खाना वाना खा लिए हैं और देखो सब लोग आराम कर रहे हैं। तो यहाँ से राजघाट बचा होगा, अभी बता रहे हैं 11 किलोमीटर और देखते हैं कितना बचा है, कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ पे। तो आपने देखा इस व्लॉग में घर से चले और चलते चलते लगभग रात के 12:30 बज चुका है और आगे का सफ़र अगले नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देख लेना। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो भाई जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।